राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में बारिश का कहर जमकर बरस रहा है। इसी दौरान राजधानी जयपुर टापू की तरह दिखाई देने लगी है। शहर में फेल होते आपदा प्रबंधनों को लेकर कांग्रेस भाजपा सरकार पर जमकर बरस रही है। इस दौरान कांग्रेस नेता सुशील शर्मा ने शहर के बिगड़े हालातों को लेकर सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनके शहर में बारिश के बाद इतने बदतर हालात उन्होंने कभी नहीं देखे। वहीं शहर के बिगड़ते हालातों को देखकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद दौरा किया और अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। बीते दिनों राजधानी जयपुर में भारी बारिश के चलते हालात लगातार बिगड़ते गए। जगह जगह कॉलोनियां डूब गई, सैकड़ों दुकानें बंद हो गई, कई जगह सड़कें टूट गई, मानो शहर का हाल टापू जैसा हो गया हो। इसे लेकर कांग्रेस के नेता सुशील शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भजनलाल सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि उनके शहर में बसने के बाद इतने बुरे हालात उन्होंने कभी नहीं देखे। वहीं राजधानी के बिगड़े हालातों को लेकर दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद दौरे पर निकल गए। इस दौरान शहर की बिगड़ी व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले जगतपुरा में नंदीपुरी अंडरपास के पास जल भराव की स्थिति देखी। इसके बाद बीटू बाईपास होते हुए महारानी फार्म, दुर्गापुरा, मानसरोवर और उसके बाद सीकर रोड पर बारिश के कारण बिगड़ी स्थितियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की लापरवाही को लेकर जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने अधिकारियों को आपदा प्रबंधन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कंट्रोल रूम में आने वाली सूचनाओं पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी दिए। जयपुर शहर में बारिश के कारण जलभराव होने से हालात लगातार बिगड़े हुए हैं। गोपालपुरा बाईपास के पास रिद्धि सिद्धि चौराहे से श्री गोपाल नगर मोड़ तक 250 मीटर लंबे मार्ग पर तालाब बन गया है। इस दौरान यहाँ 1.5 फीट तक पानी भर जाने के कारण दुकानें बंद रही। वहीं दोपहिया वाहनों को भी गुजरने में काफी परेशानी हुई। इसके अलावा वैशाली नगर की तरफ बनी कॉलोनियों में घुटने तक पानी जमा हो गया, जिसके चलते लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। भारी वाहनों के कारण सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए, जिसके चलते यहां सड़क हादसे हो गए और कई लोग घायल भी हो गए। इसके अलावा एमआई रोड, सांगानेर गेट, आदर्श नगर, छोटवाड़ा समेत कई स्थानों पर 1.5 फीट पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।